मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी, पद्मश्री अवार्डी, प्रेसिडेंट शहीद भगत सिंह सेवा दल। सच मायने में कोविड ने हमें जीना सिखा दिया। हम जो हवा में उड़ते थे कि हमें कोई मार नहीं सकता, हम बहुत पैसे वाले हैं, बहुत रिसोर्सेज वाले हैं, सबको उनकी औकात दिखा दी। वक्त फिल्म का एक गीत का मुझे अंतरा याद आता है, आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। और ऐसा मिजाज बदला कि करोड़पति भी घर बैठ गए और साइकिल वाले भी घर बैठ गए, एक सन्नाटा हो गया। और हमें विश्वास करना पड़ा उन बातों पे जो हमारे ग्रंथों में लिखा था। हम अक्सर पढ़ते थे, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से ही सब लागे, क्या धारा क्या मीत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा था। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहो दिस घेरे, विपत परी सभी संछाड़त, को न आवत नेरे। हम क्या देख रहे हैं कि लाश पड़ी है बाप के सामने और बच्चा कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं उठाऊंगा, पूरे परिवार ने ना कर दी। शंटी जी आप उठा लीजिए। जब हमने लाश उठा के पैक करके एम्बुलेंस में रख ली तो एक पुत्र आके कहता है, जी मैं दर्शन करना चाहता हूं अंतिम। हमने अंतिम दर्शन कराए, उसने पीपी किट खोली और पापा की डायमंड की अंगूठी उतार के ले गया। पापा को हाथ लगाने को तैयार नहीं है, वो कोविड वाले हैं, लेकिन अंगूठी पे हाथ लगाने को तैयार हैं। किसी ने मां की बालियां उतारी, किसी ने मरे पड़े मां बाप के अंगूठे लगवाए, ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और कहर देखा है हमने। आप लोगों ने तो सुने हैं, मैं तो शमशान घाट के अंदर था एक महीने से ऊपर, 22 दिन में एम्बुलेंस में ही सोया हूं क्योंकि मेरे परिवार वाले दोबारा पॉजिटिव हो गए थे। इस कोविड ने हमें सिखा दिया और दिखा दिया कि आपका पैसा किसी काम नहीं आना है, आपका किया हुआ नेक काम आना है। आपको जिंदा रहने के लिए सिर्फ परिवार को नहीं पालना, आपने समाज को भी देखना है। और निश्चित है कि समाज ने काम किया जहां प्रशासन फेल हो गए। मैं घर पे कभी पानी की बाल्टी नहीं उठाता जी, और मैं शमशान घाट में 80-80 किलो लकड़ी उठा के और दिन में 100 बार रख रहा हूं। और ईश्वर ने इतनी शक्ति दी कि जिस शमशान घाट में 3 डेड बॉडी आती थी वहां 150 की एवरेज हो गई, 140 तो हम घर से लाते थे, 30-40 घर से, लोगों के घर में कोई अमेरिका से फोन आ रहा है, ये हमारे भाई की बॉडी 3 दिन से पड़ी है, पिताजी की बॉडी पड़ी है, कहीं फोन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं भी आप देखिए, चाहे यूपी है चाहे दिल्ली है, कहीं भी आप फोन करिए, पेशेंट के लिए एम्बुलेंस है, झगड़ा होने पर पुलिस है, आग लगने पर फायर ब्रिगेड है, लाश के लिए कोई नंबर ही नहीं है। वो घूम फिर के नंबर किसका देते थे, जितेंद्र सिंह शंटी का या शहीद भगत सिंह सेवा दल का? हम किसी को मना नहीं करते थे। मैंने अपने हाथों से 4,500 डेड बॉडी क्रिमेट की है। 4 रिचुअल जो हिंदुस्तान के हमारे रीति के थे वो सब खत्म हो गए जी। कंधा देना, मुखाग्नि देना, अस्थियां चुनना और उसके बाद क्रिया करना, सब भूल गए जी। शमशान तक आते थे, लाश को बाहर रख के चले जाते थे। आज अगर मुझे राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री का अवार्ड दिया है, यह अवार्ड कम है, जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि वो अवार्ड शंटी को नहीं मिला, वो अवार्ड मेरे ड्राइवर्स को मिला जो शहीद भगत सिंह सेवा दल के लिए मेहनत करते हैं, वो शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मी, मेरी फैमिली, मेरी मिसिज, मेरे बच्चे जिन्होंने मुझे अपार सहयोग दिया, और ईश्वरीय शक्ति के साथ साथ उन लोगों की शक्ति जिन्होंने मुझे दिन रात प्रदान की। कोई मुझे लंदन से फोन कर रहा था, कोई अमरीका से, कोई दिल्ली से, यहां तक कि मुझे सऊदी अरब से महिलाएं फोन कर रही हैं कि शंटी जी आपके लिए हमने आज मस्जिद में दुआ करी है, कोई कह रहा हमने मंदिर में दुआ करी है, कोई कह रहा गुरुद्वारे में अरदास करी है। तो ये वो शक्तियां बहुत काम आई। इवन दर मैं शमशान घाट में काम कर रहा था, मुझे उपराष्ट्रपति जी का फोन आया, वेंकैया नायडू जी का, कि शंटी जी हम आपको टीवी पे देख रहे हैं, सारा देश आपके साथ खड़ा है, आप डट के सेवा करिए। उससे हमारे अंदर और शक्ति आ गई। अक्षय कुमार जी ने मुझे फोन किया, शंटी जी मैं तुहाडी की सेवा कर सकना वा, और उन्होंने 2 हमें एडवांस एम्बुलेंस भेज दी। टेक महिंद्रा के मालिक आनंद महिंद्रा जी का फोन आया, एक एम्बुलेंस उन्होंने भेज दी। बोले ये चीजें ईश्वरीय शक्ति से हुई हैं, ये जो हुआ है शंटी ने नहीं किया है। और मैंने तो जो कहर देखा है आपने सुना भी नहीं होगा, मतलब क्योंकि कई चीजें सेंसर्ड होती हैं दुनिया का। जिंदगी में मैंने अपने लाइफ में अगर कोई सबसे बड़ा कहर देखा है तो इस पैंडमिक में देखा है। मैं चश्मा लगा के रखता था बहुत बड़ा सा, क्योंकि ताकि आंखों में धूल ना जाए, धुआं ना जाए, पीपी किट, जुराबें, हाथों पर दस्ताने। लेकिन कुछ चीजों ने हिला के रख दिया जी। एक बच्ची मुझे कहती है, अंकल मेरे पापा की डेथ हो गई है, कहीं जगह नहीं मिल रही संस्कार के लिए।
मैंने कहा बेटा मैं गाड़ी भेज देता हूँ। और थोड़ी देर बाद वो बच्ची आके मेरे सामने बैठ जाती है, पीपी किट पहनी हुई है, मैंने पहचाना नहीं। मैं कह रही अंकल मैंने फ़ोन किया था। मैं कहा बेटा बताओ आप एम्बुलेंस ले जाओ हमारी। कहती नहीं अंकल मैं पापा की लाश अपनी कार में ले आई हूँ। मैंने कहा आप कार में क्यों लाए बेटा? कहती अंकल रात 12 बजे से मैं कार में पापा को लेकर 13 हॉस्पिटल्स में गई हूँ, किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली। और सुबह 5 बजे पापा ने